कृषि बिलों को लेकर संसद में कांग्रेस का विरोध तेज। एमएसपी की मांग पर पूरे सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पूछा, 18 दलों के विरोध के बावजूद बिल पास हो गए। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने धरनास्थल पर जाकर चाय पिलाई। कृषि बिल पर बहस के दौरान सांसदों को सदन में बर्ताव के चलते पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। उपसभापति की चाय को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम यहां रिश्तेदारी बनाने नहीं, किसानों बेरोजगारी की आवाज उठाने आए हैं। बिना संसदीय प्रक्रिया के बिल पास क्यों किया, अब चाय पिलाने से कोई फायदा नहीं। हरिवंश नारायण सिंह के व्यवहार की पीएम मोदी ने की सराहना। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, जिन्होंने अपमान किया उसको चाय परोसी, ये हरिवंश जी की महानता और उदारता है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे खूबसूरत तस्वीर। कृषि बिल पर विरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की। तोमर ने कहा कि इस कदम से हम स्पष्ट संदेश भेजना चाहते हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी को हटाया नहीं गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि कर मोदी जी ने ये दर्शा दिया है कि सरकार किसानों को लाभ दिलाने के लिए गंभीर। एमएसपी की बढ़ोतरी पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि एमएसपी वृद्धि की घोषणा से किसानों में पैदा किया भ्रम टूटा। ओपी धनखड़ ने कहा कि यहां पर मंडी चलेंगी और खरीद भी होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसान समझ गए हैं कि बिल उनके हित में है। विज ने कहा कि इसलिए किसान 20 तारीख को किसान बंद में नहीं आए। रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम ने बार बार कहा कि एमएसपी के ऊपर किसी प्रकार से आंच नहीं आएगी। आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जब एमएसपी के जरिए फसलों के रेट बढ़ाए जाएंगे। विधायकों के साथ सीएम मनोहर लाल आज शाम को बैठक करेंगे। सीएम आवास में विधायकों से मुलाकात होगी। विधानसभा क्षेत्रों में कामकाज को लेकर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल की आरती एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे शामिल। बैठक में आरतियों के तमाम मांगों पर सकारात्मक हुई चर्चा। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,14,00,000 के पार। अब तक 9,69,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई है जान। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। अब तक सामने आए 70,46,216 मामले, 25,42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड रिकवरी, पहली बार 1,00,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में हुए ठीक। एक दिन में सामने आए 75,000 से ज्यादा नए मामले, कुल केस 55,60,000 से ज्यादा। देश में कोरोना का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आए 15,738 नए मामले, 344 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 12,24,380। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 2,548 नए मामले, 32 लोगों की मौत, दिल्ली में अब भी 30,941 केस एक्टिव। प्रदेश में कोविड-19 के 1,818 नए मामले रिपोर्ट हुए, पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई, प्रदेश में 21,000 केस एक्टिव। सीएमओ ने बताया कि पलवल के सरकारी अस्पताल में खोला गया एक जांच केंद्र देश में पहला केंद्र होगा जिसमें ऐसे मानसिक रोगियों का चेकअप कर उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाएगा। मेवात के गांव पिथौरपुरी के पास बाइक चालक को बचाने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज की बस सड़क किनारे बनी पुलिया पर जाकर अटक गई, जिससे के बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गुहाना के गांव बनवासा में माता पिता ने अपने 24 वर्षीय बेटे को तेज धार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार बनवासा गांव का मृतक पवन अपने माता पिता को शराब पीकर मारपीट करता था और तंग किया करता था। पानीपत में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब चोरों ने शहर में मासूम बच्चों को किडनैप करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोहारू में एसटीएफ की टीम ने डोडा पोस्ट की बड़ी खेप पकड़ी। 14 क्विंटल 30 किलो डोडा पोस्ट लेकर जा रहे एक ट्रक और एक क्रेटा गाड़ी को बरामद करके 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पलवल में 28 साल के शख्स की पत्थरों से हमला कर हत्या करने के मामले में गुस्साए परिजनों ने सोना रोड जाम कर दिया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
महमभैणी चंद्रपाल गांव में कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से किसान दुखी हैं। किसानों ने बताया कि कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से लगभग 90% नुकसान हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित दमकल केंद्र में दमकल विभाग के अधिकारियों द्वारा सिविल डिफेंस की टीम के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई।